खबर झारखंड से, जहां देवघर एयरपोर्ट पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दिए जाने के बाद न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया और हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इनके डिग्री पर सवाल खड़े किए जा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से इसकी डिग्री को लेकर सवाल किए गए थे और इन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक बड़ी राहत दी है और यह विरोधियों के लिए एक करारा तमाचा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए न्यायालय का आभार जताया है, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है। उन्हें ईडी ने 17 नवंबर को फिर से बुलाया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस विधायक और उनके कार्य करीबियों से 100 करोड़ की संपत्ति मिलने की जानकारी मिली है, जिसे विधायक प्रदीप यादव सिरे से खारिज कर रहे थे, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इनकी असली चेहरा सामने आ जाएगा। ईडी अपना काम कर रही है और सरकार को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस खुद को गरीबी और गरीबों को सरकार कहती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उन्होंने जनता का कितना पैसा लूटा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आज से 3 दिनों तक जरमुंडी, सरैया हाट और देवघर में यह धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे जरमुंडी और सरैया हाट में धरना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी देवघर के कई बड़े सौगात मिलने जा रहा है, जिसके पावर प्लांट गोड्डा से कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़कें हैं, जिनमें आज 4 सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सौगात या मेरे लिए राहत आप समझिए ये है कि मेरे नॉमिनेशन पर, मेरे डिग्री पर जो है झारखंड सरकार ने मुझे 3 साल से बड़ा रगड़ा, बड़ा तंग किया। हाईकोर्ट से हम जीते, ये लोग माननीय उच्चतम न्यायालय गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है इनको डांट के भगा दिया। मुझे लगता है कि जो दर्द 3 साल का था वो ख़त्म हुआ आज शाम, इसलिए मैं बाबा का पूजा करूँ। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्यमेव जयते। मैंने उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा था कि रोक जो है इनके किसी जांच पर नहीं।